this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 2 polynomials exercise 2.3 question number 2 third part. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और हमें बताना है कि जो पहला वाला पॉलिनोमियल है ये x3-3x+1 ये दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं. ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाता है और हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ गया x3-3x+1 और यहाँ आ गया x^5-4x³+x²+3x+1. ठीक है, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करना है तो ध्यान रखो जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं. ठीक है, अब इसकी पहली टर्म को जो x^5 है इसको हम डिवाइड करेंगे इस x³ से जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी पहली टर्म से. राइट, तो ये आ गया हमारा x². जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स आपस में माइनस होती है तो आ गया x², ये x² आ जाएगा यहाँ पर और इस x² को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से. ठीक है, x³-3x+1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x^5-3x³+x². ठीक है, ध्यान से करना है, देखो मल्टीप्लाई पावर्स हमेशा ऐड होती है मल्टीप्लाई करने में. ठीक है, तो ये आ गया x^5-3x³+x². इसके बाद हमने साइन चेंज करने हैं, ये हो गया माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. यहाँ क्या बचा, माइनस के 4 प्लस के 3 मतलब माइनस के 1x³. ठीक है, और प्लस के 3x और प्लस 1 ऊपर से कॉपी कर लिया. देन हम वही प्रोसीजर दोबारा करेंगे, माइनस x³ को डिवाइड करेंगे किससे, x³ से. ये हमारा x³ है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया, माइनस के 1. इस माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर और इस माइनस 1 से हम जो डिवाइजर है हमारा इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे x³-3x+1 को. देखो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं तो ध्यान से करना है, माइनस x³ ये आ गया प्लस के 3x और ये आ गया माइनस के 1, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, माइनस x³ प्लस के 3x और माइनस के 1. इसके बाद हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, इसको कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और क्या आ गया यहाँ पर, 2. ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 2. सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है, रिमाइंडर 2 आया है हमारे पास तो रिमाइंडर 0 नहीं है. एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ऑल द बेस्ट.